अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी से वॉल हैंगिंग फ्रेम, फ्लावर फ्रेम। इसको बनाने के लिए बस आपको एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दो चीज़ें हैं मेन, एक है टिश्यू पेपर और साथ ही है वो जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है ना, वो आप लोग ले लें। और आपको एक ग्लू स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों को अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है। इन स्टिक्स को चार पीसेस में डिवाइड करके चार चार का पेयर बना लेना और फिर ऐसे इनको ग्लू स्टिक की मदद से जोड़ लेना है। जो उनके कोने वाली साइड होंगी ना, यहाँ पे ग्लू लगा के उसको ऊपर से अच्छे से चिपका देना है। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी सी फ्रेम्स तैयार कर लेनी है स्क्वायर में और बस फाइनली इसमें पेंट करना है। मैंने ब्लैक कलर का पेंट किया है। आप लोगों का जौन सा फेवरेट कलर हो आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं। और पेंट करने के बाद इन स्क्वायर्स को आप इसमें जोड़ के मैंने इस तरह की शेप क्रिएट की है। आप लोग चाहो तो अपने फेवरेट तरीके से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। इस तरह की शेप क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें फ्लावर्स लगाने दरमियान में, ताकि थोड़े से और खूबसूरत लगे। उन फ्लावर्स के लिए वो जो मैंने टिशू का पैक लिया था ना, इस टिशू के पैक से मैं छोटे छोटे फ्लावर बना लूँगी 5-6 और बस इनको फिर मैं इनके दरमियान में एक दो जगह पर लगा लूँगी। और ये रही फाइनल लुक आप लोगों के सामने। तो कैसी लग रही है वॉल हैंगिंग फ्रेम? बस दो ही चीज़ों से इतनी ईजिली तैयार हो गई है। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, टेक केयर।